व्हाट इज अप गाइस, कैसे आप सब लोग। तो अभी रात हो चुकी है, मतलब रात नहीं है, अभी हो रहा है 6 बज रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रावण दहन करने, रावण को जलाने। तो आपको तो इसके बारे में पता होगा, मैं आपको और भी बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वहां चलते हैं, वरना वहां भीड़ जमा हो जाएगी। चुके हैं बड़े स्टेडियम जहां पे रावण दहन होता है, और बहुत बड़ा रावण यहां पे बनता है हर साल। तो चलिए अभी स्टेडियम के अंदर चलते हैं। हम लोग यहां पार्किंग में गाड़ी खड़ा कर दी है, अब अंदर जा रहे हैं हम लोग। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूँ। हम लोग यहाँ आए और हम खुद सरप्राइज हो गए। एक बार रावण को तो दिखाओ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है यहाँ का रावण। अब क्या बताऊँ मैं, हंसी तो आएगी फ्रेंड्स। पिछले साल, मतलब हर साल इससे कई गुना बड़ा बनता है, और इस साल रावण कमज़ोर हो गया कोरोना में, और इतना छोटा रावण बनाया है, बड़ा भद्दा लग रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। और माहौल भी बहुत ठंडा है एकदम, भीड़ भी नहीं है, और ये क्या रावण है, मैं क्या बोलूँ, कमेंट में हंसी डाल दो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जिसका ये जो पीछे लैडर है, उसका हाइट जो आप देख रहे हैं ना, उतना लंबा बनता था, ऊपर तक जाता था उसका सिर, और बहुत चौड़ा मोटा एकदम हट्टा खट्टा रावण बनता था। ये क्या रावण है, एकदम लगता खाना पीना नहीं खाया है कोरोना में इस साल। तो फ्रेंड्स, भीड़ अभी बढ़ेगी, अभी करीब 7:30 या 7 बज रहा होगा, तो अभी 8 बजे तक करीब भीड़ बढ़ जाएगी, और फिर बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अभी कम है, अभी स्टार्टिंग हुआ है, तो बने रहिए वीडियो में, हम आपको और दिखाते हैं। पता नहीं कितने रावण, कितने लोग आएंगे इस छोटे से रावण को देखने के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, आजू बाजू तो पूरा बैनर लगा है, हमको भी अंदर जाना है, तो आपको दिखाना भी है वीडियो। तो हम लोग कोशिश करते हैं, देखते हैं कोई मिल जाए पहचान का तो वो अंदर ले लेगा। तो अपन अभी ट्राई करते हैं अंदर जाने का, फिर आपको अच्छे से व्यू देते हैं रावण का, छोटू सू रावण का। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में भीड़ बढ़ती जा रही है, बहुत सारे लोग अंदर आ रहे हैं, और रावण को देखेंगे, क्या मतलब क्या माहौल रहेगा बताऊंगा। भीड़ तो बढ़ रही है, मैं आपको दिखाता हूं, और ये देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। आज है विजयदशमी का त्यौहार, इस दिन मुझे तो पता है, मैं आपको जानकारी के लिए बताऊंगा, लेकिन आप भी अपने तरफ से कमेंट बॉक्स में बताइएगा जितना आपको पता है। तो आज जो है श्री रामचंद्र ने रावण को मारा था, इस दिन उनकी रावण दहन हुआ था, और इसी नाम से हम ये त्यौहार मनाते हैं। इस दिन रावण को हम सब मारते हैं मिलके, और इसी दिन जो राम जी, श्री रामचंद्र है, वो सीता मैया को मुक्त किए थे रावण से, उनको उनका दहन करके, और फिर 14 वर्ष के वनवास काट के वह वापस अयोध्या पहुंच गए थे। और या इस पे, इससे जुड़ी एक लाइन भी है जो है, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको दिखाते हैं रावण को दहन करते हुए। तो फ्रेंड्स, मैं एक और बात बताना चाहूँगा, इस दिन हम लोग असली रावण को तो मारते ही हैं, लेकिन हम लोग अपने अंदर के रावण को भी मारते हैं, क्योंकि इस दिन हम अपने आप को ये दिलासा देते हैं कि अच्छाई अच्छी है और बुराई गंदी है, और इस दिन हम अपने आप को अच्छाई, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत दिलाते हैं। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स देखिए, भीड़ बढ़ते जा रही है और मेले का माहौल बन रहा है, और कुछ ही समय में रावण दहन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। फ्रेंड्स, अभी कुछ देर में राम, हनुमान और सीता मैया की, रावण की झांकी आने वाली है, और वो भी अभी आए नहीं वाली है, और हम आपको दिखाते हैं, वो भी बहुत मस्त रहती है, बहुत अच्छे गेटअप में रहते हैं लोग। फ्रेंड्स, अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, ये बॉर्डर था वो काफी छोटा है, और अब हम लोग अंदर आ चुके हैं। फ्रेंड्स, वहाँ पे हमारे दुर्ग शहर के विधायक बैठे हैं, अरुण वोरा जी, और ये देखिए, अंदर से देखने में आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। और ये देखिए, स्वागत करते हैं हमारे
ये सिक्योरिटी लगी है, किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहे और हम लोग आ गए अंदर। हम सब आज प्रतीकात्मक रूप से, भले रावण की हाइट छोटी है, पर हम सब मन से भगवान राम से ये निवेदन करें कि हे भगवान, ये जो संक्रमण है, ये जो बीमारी है, इसे खत्म कर दे। और जैसा जीवन चलता था, हम सब हंसी खुशी और जो जीवन जी रहे थे, उससे हमसे को भगवान से निवेदन करेंगे। आज हम बोले राजा राम चंद्र की, राजा राम चंद्र की जय जय। हेलो, जय जय। के सामने उपस्थित हैं हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे विधायक श्री मुख्य अतिथि श्री माननीय अरुण वोरा जी से अनुरोध, मंच पे पहुंचे अनिल ताम्रकार जी, दुर्ग शहर के माननीय विधायक से निवेदन है कि वे भगवान रामचंद्र जी का पूजा अर्चना करें। साथ में हमारे आए हुए मुख्य अतिथि श्री, आज यहाँ पर राम और रावण का युद्ध होना है और असत्य पे सत्य की जीत और अधर्म पे धर्म की जीत होनी है। अरुण बोरा जी बोलिए, सिया भर रामचंद्र की, तो जोर से बोलिए ना, सिया भर रामचंद्र की। ये बहुत ही खुशी का अवसर है और हम सब लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ लोग उल्लासमय वातावरण में दिख रहे हैं, सब आह्लादित है। भगवान श्री राम का, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का आगमन हो गया है, पूरा राम दरबार यहाँ पर उपस्थित हो गया है और कुछ ही क्षणों में अधर्मी रावण का वध उनके द्वारा किया जाएगा, जिसके साक्षी हम सब लोग बनेंगे। विजयादशमी पर्व की मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सब के ऊपर हमेशा बना रहे। मनुष्य के जीवन में हम लोग आए हैं, ये जीवन कितना दुर्लभ है, कितनी कठिनाइयों से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे जीवन की सार्थकता इसी बात में है कि हम लोग एक दूसरे के काम आए। कभी भी हमारे द्वारा ऐसा कोई कार्य न किया जाए जिससे कि किसी की भावनाओं को दुख या ठेस पहुंचता हो। मनुष्य जीवन है, बहुत बड़ा जीवन है और इस जीवन में गलतियां होती है, कठिनाइयां आती है, तो वो सारी गलतियां और कठिनाइयां भगवान श्री राम की कृपा से पूरी हो जाए, ऐसी प्रार्थना हम लोग करते हैं। कोरोना काल में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग इस राष्ट्रीय पर्व उत्सव समिति के पर्व के आयोजन में उपस्थित हुए हैं। लाखों की संख्या में लोग आते थे लेकिन आज फिर भी काफी संख्या में लोग यहाँ आए हैं और भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना से हमको मुक्ति दिलाए। अगली बार जब हम लोग आए तो काफी संख्या में हम लोग यहाँ रहें जैसे कि पूर्व में रहा करते थे। और कोरोना काल में जिनको हमने खोया है उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वे ही जान सकते हैं कि उनकी पीड़ा कितनी होती है जो परिवार के बीच से चला जाता है। मैं आपको बहुत बधाई बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रावण का युद्ध अभी हो रहा है, राम की जीत होगी, धर्म की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, असत्य और अधर्म का नाश होगा। इस बात को हम अपने जीवन में संकल्प बांध कर चले कि हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना है। धर्म का रास्ता है मानवता का, सद्भावना का, भाईचारे का, एकता का। इस रास्ते को हमको मजबूती प्रदान करनी है। हमारे जो संस्थापक थे स्वर्गीय जगदीश चंद्र मिश्रा जी हमारे बीच में नहीं है, मोतीलाल वोरा जी भी 1964 से लगातार यहाँ पर आते रहे लेकिन वो भी आज हमारे बीच में नहीं है। हम सब उन्हें सादर नमन करते हैं। और आज मोहनलाल जैन जी, जिनकी आवाज हम लोग सुना करते थे लगातार, निरंतर वो बोलते थे और ऐसा लगता ही नहीं था कि कितने घंटे निकल गए, वो भी कोरोना काल में हमारे बीच से चले गए। हमारे बीच से जो जो लोग चले गए हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। मोहम्मद रजा जी जो यहाँ की आतिशबाजी करते थे वो भी हमारे बीच में नहीं है। और
और जो रावण के रूप में आते थे वो भी हमारे बीच में नहीं है, कोरोना के वो भी शिकार हो गए, उनके प्रति भी हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के इस अवसर पर हमारे बीच में है हमारे बहुत ही वरिष्ठतम नेता श्री भजन सिंह निरंकारी जी, श्री राधे श्याम शर्मा जी, श्री आर एन वर्मा जी, श्री हमारे वाई के सिंह जी, रामकली यादव जी, देवेश मिश्रा जी, अल्ताफ अहमद जी, हमारे नंदू महोबिया जी जो इस समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, जो लगातार इस परंपरा को कायम कर रहे हैं, अनिल ताम्रकार जी, जितने भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो परंपरा हमारे बुजुर्गों ने डाली है उस परंपरा का निर्वहन आज की पीढ़ी को करना है, नौजवान पीढ़ी को करना है, उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर उसी तरीके का कार्य करना जिस तरीके का कार्य उन्होंने किया। आज के इस अवसर पर मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, सबका जीवन खुशहाल है रहे, यही प्रार्थना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बोलो सिया भरे राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धन्यवाद। फ्रेंड्स, इस टाइम पे ये जो हनुमान जी है, श्री हनुमान जी, ये आते आते सबके सर पे गदा मार रहे थे और इसी टाइम पे ये मेरे सर पे भी गदा मार दी, तो उनका गदा बहुत जोर से लगा था। फ्रेंड्स, ये पड़ा मेरे को भी बहुत जोर से लगा था। राजन तंबोली जी हमारे राष्ट्रीय पर्व उत्सव संचालक समिति के प्रमुख, आप देख रहे हैं हमारे बीच कोविड-19 का एक पुतला आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय अरुण वोरा जी के द्वारा महामारी से मुक्ति दिलाए। आप सबसे निवेदन है कि जोरदार जय घोष के साथ भगवान श्री राजा राम चंद्र की, भगवान श्री राजा राम चंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। प्रतीकात्मक स्वरूप रावण पुत्रे का दहन आपके सामने राजा रामचंद्र जी भावी जाती है। राम रावण में गंगोर युद्ध हो रहा है, सभी से निवेदन दूरी बना के रखे वहां पे, कुछ ही क्षणों में पुत्रे का दहन आपके सम्मुख होने जा रहा है। बोलो राजा राम चंद्र की। हमारे बीच भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच युद्ध हो रहा है और आप साइड में देख रहे हैं कि कोरोना महामारी का एक पुतला जलाया जा रहा है। हम सब भगवान श्री राजा रामचंद्र जी से यह निवेदन करें कि भगवान इस महामारी को खत्म करें, और जिस तरीके से आज से 2 साल पहले आप आयोजन देखते थे, बड़े बड़े आयोजन हम एक दूसरे से हंसी खुशी मिलते थे, उन आयोजन के लिए हमें सहयोग थे, मचे हावे हाहाकार करोना करोना कुहारे पर आए तो द्वार रामचंद्र जी के द्वार पे हम गुहार लगाने आए हैं कि हे भगवान हमें इस महामारी से मुक्ति दिलाए और अब इसे खत्म कर दे। जिस तरीके से रावण को आपने वध करके अधर्मी रावण का आपने अंत किया था, असत्य के ऊपर सत्य की विजय प्राप्त की थी और राम राज्य की स्थापना की थी, उसी प्रकार ये कोरोना महामारी को आज यहाँ पर खत्म कर दे। हम सब मिलकर जोर से जयकारा लगाएंगे
भगवान श्री राजा रामचंद्र की, भगवान श्री राजा। दुर्ग शहर की जनता लेती है, इसके प्रणेता स्वर्गीय श्री जगदीश चंद्र जी मिश्र हैं, जो आज हमारे बीच नहीं है, उनकी बनाई हुई संस्था है ये, जिसमें तमेर पारा की पूरी टीम अधर्म पर धर्म की विजय, ये ऐसी सोच राजा रामचंद्र प्रभु श्री राम की लिखे चंद्रदीप ताम्रकार जी, मनोज ताम्रकार जी, गोल्डन ताम्रकार जी, आर्यन ताम्रकार राम मंडली के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भगवान श्री राजा रामचंद्र जी अब अग्नि बाण से, ये देखिए, बोलो राजा रामचंद्र की, भगवान राजा रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, भगवान राजा रामचंद्र की। जोरदार नारा लगाना चाहिए, भगवान के द्वारा अग्नि बाण लग गया है, अब बस कुछ ही देर में हमारे बीच अधर्मी रावण का अंत होने वाला है। भगवान श्री राजा रामचंद्र की, भगवान श्री राजा धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या, हर हर महादेव। बोलो भगवान सबको विजय धर्म के विजयदशमी के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय पर्व उत्सव समिति, आप सभी पधारे हुए दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती है। इस कोरोना महामारी के गाइडलाइन के अनुसार प्रतीकात्मक रूप से रावण का दहन किया गया है और आज असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की जीत हुई है। हम सब बड़े जोर से नारा लगाएंगे, भगवान श्री राजा रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। Thank you.
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो में आपको मजा आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।